हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 61 ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चंस कवर कर लिया है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शंस आर सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेकेंड इज सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 मीन्स अ रीजनल लेबर कमिश्नर। थर्ड इज सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर। एंड सर्टिफाइंग ऑफिसर एज पर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 मीन्स अ लेबर कमिश्नर। तो अगर आप इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में सर्टिफाइंग ऑफिसर का मतलब देखेंगे, वहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है दैट इज़ इट मींस अ लेबर कमिश्नर। मतलब ये वाला देखे पॉइंट जो है, इट मींस अ लेबर कमिश्नर और अ रीजनल लेबर कमिश्नर एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये तीनों पॉइंट हमारे कवर हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछा है, गलत कौन सा है। तो आंसर मतलब पॉइंट थर्ड होगा, इसमें लिखा है एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, इसकी जगह होना चाहिए एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो पॉइंट नंबर वन में दिया है। तो आंसर इसका होगा पॉइंट नंबर थ्री। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62, एनी पेमेंट मेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इज यूजुअली लिंक्ड टू प्रोडक्टिविटी वेदर कलेक्टिवली और इंडिविजुअली इज नोन एज। एनी अदर पेमेंट मेड बियॉन्ड द सैलरी ऑफ एन, सैलरी के अलावा अगर कुछ पेमेंट दिया जाता है डैट इज लिंक्ड विद परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन देखिए, बोनस दिया हुआ है, डीएनएस अलाउंस दिया, फ्रिंज बेनिफिट एंड कंपोजिट अलाउंस। तो डीएनएस अलाउंस इज डीए जो बोलते हैं महंगाई भत्ता, वो तो ऑलरेडी सैलरी में इंक्लूडेड रहता है। फ्रिंज बेनिफिट जिसे पर्क्स या कैफेटेरिया बोलते हैं, ये भी सैलरी में इंक्लूडेड रहता है, मतलब एवरी मंथ ये सैलरी में मिलता है। कंपोजिट अलाउंस ये भी अलाउंस है जो कि कोई कोई अलाउंस मिलता है, जैसे हिली एरिया में किसी की पोस्टिंग है किसी एम्प्लॉय की, तो उसको वहाँ का हिल अलाउंस मिलता है। किसी ऐसे जगह पोस्टिंग है दैट इज़ वेरी हार्ड टू सर्वाइव देयर, तो उसके लिए उसे अलग से अलाउंस मिलता है। कहीं पे नाइट अलाउंस मिलता है, नाइट ड्यूटी परफॉर्म करा, तो दे आर कंपोजिट अलाउंस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा बोनस, क्योंकि बोनस जो है दैट इज़ लिंक टू प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो आंसर इज पॉइंट नंबर वन। देन क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व स्टेप्स दैट आर टेकन बाय कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एलिमिनेटिंग द प्रेजेंट इफेक्ट्स ऑफ पास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन पोटेंशियल एम्प्लॉयज सच एज वुमेन एंड माइनॉरिटीज। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंक्लूड करती है, इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती है अपने से, ताकि जो पास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वुमेन या माइनॉरिटीज़ पे, उसका वो प्रेजेंट इफेक्ट उस पर ना आए, पास्ट डिस्क्रिमिनेशन का इफेक्ट अभी प्रेजेंट में ना आए। तो इसमें से ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा है, सेंसिटिविटी एनालिसिस, होल सिस्टम डिस्कवरी, एक्शन लर्निंग एंड अफर्मेटिव एक्शन। तो इसका मैं वन बाय वन आपको बताऊँगी। सो फर्स्ट वन इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस एक फाइनेंशियल मॉडल है जिसमें कोई भी एक टारगेट वेरिएबल होता है, कि कोई अगर अदर वेरिएबल है उसमें अगर हम कोई चेंज करते हैं तो टारगेट वेरिएबल पे वो कैसा इफेक्ट डालेगा, डैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका जो पर्पज़ है, इट इज़ अ वे टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ अ डिसीजन गिवन अ सर्टन रेंज ऑफ वेरिएबल्स। कोई भी मान लीजिए डिसीजन लेते हैं, जहाँ पे मैं जैसे अभी आपको बताई कि कोई टारगेट वेरिएबल है, तो कोई ऐसे डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या आएगा, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेकेंड इज होल सिस्टम डिस्कवरी। होल सिस्टम डिस्कवरी में क्या होता है, पूरा एक होल क्लाइंट सिस्टम को एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है।
इट इज मच दिस ऑप्शन इज टू इन्वॉल्व द होल क्लाइंट सिस्टम मच मोर डायरेक्टली इन रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, नेमिंग अ डिजायर्ड फ्यूचर, आउटलाइनिंग ऑल्टरनेटिव एक्शन एंड डिसाइडिंग हाउ टू प्रोसीड. तो एक पूरा क्लाइंट सिस्टम है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में और आगे क्या स्टेप लेना है वो डिसाइड करना होता है. एक्शन लर्निंग में क्या होता है कि एक पूरा ग्रुप जो है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज डीलिंग विद रियल प्रॉब्लम्स, उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उस पर वो लोग काम करते हैं, एक्शन लेते हैं उस पर, और फिर उस इंडिविजुअल हो या टीम हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं. तो इट इज़ अ प्रोसेस डैट इन्वॉल्व्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन रियल प्रॉब्लम्स, टेकिंग एक्शन एंड लर्निंग एज ए इंडिविजुअल, एज अ टीम एंड एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज अफर्मेटिव एक्शन. तो अफर्मेटिव एक्शन का ही मतलब है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेट ऑफ प्रोसीजर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ाइन किया जाता है, और उसका पर्पस ये होता है कि जो पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन वुमेन या माइनॉरिटीज़ के साथ हुआ है, वो उसके प्रेजेंट इस पे फ्यूचर प्रेजेंट सिचुएशन पे अफेक्ट ना डाले और आगे भी फ्यूचर में भी उसे डिस्क्रिमिनेशन से वो बचा सके. ठीक है, तो दिस इज द अफर्मेटिव एक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर होगा अफर्मेटिव एक्शन. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस. तो पॉइंट्स देखते हैं. डेवलपिंग अप्राइजल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कंडक्टिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड फोर्थ वन इज कंडक्टिंग जॉब इवेलुएशन प्रोसेस. तो परफॉर्मेंस अप्राइजल का कौन सा इसमें से प्रोसेस नहीं है? तो परफॉर्मेंस अप्राइजल में पहले हम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हैं, फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल करते हैं, और उसके बाद एज पर द परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड्स फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज़ को. और फोर्थ वन इज़ कंडक्टिंग जॉब इवेल्यूशन प्रोसेस, जो कि परफॉर्मेंस अप्राइजल से मैच नहीं करता, परफॉर्मेंस अप्राइजल के प्रोसेस में काउंट नहीं होता है. तो आंसर हमारा है फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. Which of the following is a deliberate attempt by an individual to become more aware of his or her skills, interests, values, opportunities, choices and consequences? तो individual को इसमें अपने बारे में, अपने skills, interests, values, opportunities, इन सब के बारे में उस वो जानने की कोशिश करता है. तो that is his career planning. तो इसमें से सोशलाइजेशन, इंडक्शन, टैलेंट इन्वेंटरिंग ये नहीं होगा, करियर प्लानिंग इस आंसर. करियर प्लानिंग जो करता है कि इंडिविजुअल जानता है अपने बारे में कि क्या स्किल्स है, क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस काम में इंटरेस्ट आता है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करता है कि उसे क्या काम करना चाहिए, किस फील्ड में उसे जाना चाहिए. तो एक तरह से वो अपना करियर प्लान कर रहा है. तो आंसर इज़ करियर प्लानिंग. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कुछ कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं जिसका आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है. कुछ सीधे, जैसे यहाँ पे सीधा है कि वो अपने कोशिश करता है, इट्स अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू नो और टू बिकम मोर अवेयर ऑफ हिज हियर और स्किल. तो वो क्या होगा? करियर प्लानिंग. क्योंकि इंडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन, सोशलाइजेशन मीन्स लोगों के साथ मिलना जुलना, टैलेंट इन्वेंटरिंग इज डिफरेंट थिंग. तो करियर प्लानिंग से आंसर. क्वेश्चन नंबर 66. Which of the following is associated with the evaluation of policies and procedure to determine the effectiveness of human resource management? Evaluation of policies and procedures to determine the effectiveness of human resource management. Evaluation, policies or procedure जो organization में बने हुए हैं जिसे follow किया जाता है, उसका evaluation. तो evaluation कब होता है? इनमें से option क्या होगा? HRM audit होगा. Audit means इवैल्यूएट ही तो करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट हो, एचआर ऑडिट हो, जो भी हो, जो पॉलिसीज़ बने हुए हैं उनके ऊपर चेक होता है कि इज़ इट वर्थ और नॉट इसे इम्प्लीमेंट करने से ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर कुछ इफेक्टिव, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नहीं, तो वो चेक होता है. तो डैट इज़ एचआरएम ऑडिट. इसके बारे में मैंने पहले भी क्वेश्चन में समझाया.
क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग टेक्निक्स आर मैनेजमेंट ट्रेनी अलाउड टू वर्क फुल टाइम एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अदर डिपार्टमेंट। सो ऑप्शन हम देखते हैं अफर्मेटिव एक्शन। तो अफर्मेटिव एक्शन पे हमने अभी देखा था कि ऐसे रूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं, ऐसे पॉलिसीज डिज़ाइन किए जाते हैं जिससे पास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो हुए हैं वुमेन माइनॉरिटीज़ पे स्पेशली, तो उनका इफेक्ट अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे ना आए, दैट इज़ अफर्मेटिव एक्शन। एक्शन लर्निंग में मैंने बताया था कि इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनाइजेशन। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो होता है वो एक ऐसे साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशंस होते हैं और इंडिविजुअल एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, उनके एक दूसरे के बारे में अवेयर होते हैं। एंड रोल प्लेइंग एक ऐसा सिचुएशन दिया जाता है ट्रेनीज को, उसके अकॉर्डिंग उनको उस पर काम करना पड़ता है, मतलब उसे रोल प्ले करना पड़ता है कि अगर एक सिचुएशन में आप ये रहेंगे तो आप उसको कैसे डील करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट ट्रेनी इज़ अलाउड टू वर्क फुल टाइम एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन अदर डिपार्टमेंट, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम दिया जाता है उस पर ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग और एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग, तो एक्शन लर्निंग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री इज नोन एज। सो एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 2N, ठीक है, सेक्शन 2N अगर आप देखते हैं तो उसमें ये डेफिनेशन ऑक्यूपायर का दिया हुआ है कि अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ अ फैक्ट्री इज ऑक्यूपायर, तो आंसर इज पॉइंट फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज इन कनेक्शन विद द चेंज इन ओनरशिप और कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज नोन एज। पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ऑप्शंस कमीशन, बोनस, गोल्डन पैराशूट एंड इंसेंटिव। सो इसका आंसर होगा गोल्डन पैराशूट। अब गोल्डन पैराशूट का मतलब क्या होता है? गोल्डन पैराशूट मतलब अगर कंपनी, कोई एक कंपनी है वो किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज होती है या कंपनी टेक ओवर करती है, या फिर वही यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ओनरशिप चेंज होती है या फिर कंट्रोल चेंज होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक सब्सटैंशियल बेनिफिट दिया जाता है टॉप एग्जीक्यूटिव्स को इन दिस केस चेंज इन ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको टर्मिनेट किया जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और टेक ओवर, तो उन्हें जो सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलती है उसे गोल्डन पैराशूट कहा जाता है। सो आंसर इज पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्टिंग मेथड दैट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिक जॉब टास्क, राइट। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे वर्क सैम्पलिंग टेक्निक, वेस्टिब्यूल मेथड, सिमुलेशन टेक्निक, बिहेवियरल मॉडलिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि वर्क सैम्पलिंग टेक्निक होता क्या है। तो ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि हाउ मच प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स इन वेरियस डिफाइंड कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटी। तो एक एक्टिविटी दी हुई है तो उस एक्टिविटी में हर एक छोटे मतलब हर एक स्टेप पे कितना टाइम लगा है एक वर्कर को, तो वो जैसे एक मशीन पे कोई काम कर रहा है तो सेटिंग अप अ मशीन, वो मशीन को सेट करने में कितना उसे टाइम लग रहा है, फिर पार्ट्स को असेंबल करने में कितना टाइम लग रहा है, आइडियल कितने देर वो बैठा है, तो ये वर्क सैम्पलिंग टेक्निक है, मतलब वर्क को सैम्पल में डिवाइड किया गया है। वेस्टिब्यूल मेथड क्या होता है? तो ये ट्रेनिंग मेथड है जिससे जो कि जो प्लेस ऑफ वर्क है उससे दूर है, मतलब इट इज़ कंडक्टेड अवे फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कि जब फ्लाइट पायलट्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि फ्लाइट कैसे फ्लाई करना है, कैसे प्लेन को उड़ाना है, तो उनको सिमुलेटर्स पे सिखाया जाता है, ठीक है, नॉट्स को भी मॉक कैप्सूल्स पे सिखाया जाता है, मॉकअप स्पेस कैप्सूल पे। तो ये एक वेस्टिब्यूल मेथड हो गया। सिमुलेशन टेक्निक लगभग वेस्टिब्यूल मेथड की तरह ही है, लेकिन सिमुलेशन ट्रेनिंग में क्या होता है, क्रिएशन ऑफ ट्रू टू लाइफ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, मतलब जैसा रियल लाइफ में है कोई काम जो सिचुएशन है वैसा सेम एनवायरनमेंट सिमुलेशन टेक्निक में क्रिएट किया जाता है और रियल लाइफ वर्क एंड एक्सपीरियंस उनको सिनेरियोस
मिलता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर किसी को जैसे केएफसी, केएफसी क्या करता है, जो उसके शेफ होते हैं उनको अगर उसे शेफ हायर करना है तो एक एस्केप रूम में उनको रख दिया जाता है और उनको मेन्यू के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने बोलते हैं। तो वो मेन्यू के अकॉर्डिंग अगर शेफ़ बनाएगा, उसे कुछ पता नहीं तो वो अपना दिमाग लगाएगा, अपने एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ बनाएगा, बट उससे एस्केप नहीं हो पाएगा। तो सिमुलेशन टेक्निक इस तरह का हो गया। बिहेवियरल मॉडलिंग जस्ट लाइक कि बिहेवियर मॉडलिंग से जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को रीड करता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को जानता है इन सर्टन और स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे है टेस्टिंग मेथड दैट मेजर्स परफॉर्मेंस ऑन एक्चुअल बेसिक जॉब टास्क। तो एक्चुअल बेसिक जॉब टास्क में वर्क सैम्पलिंग टेक्निक विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ कंपनी अपॉइंटिंग अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन और माइनॉरिटीज टू हाई प्रोफाइल पोजीशन रेदर देन मोर एग्रेसिवली सीकिंग फुल रिप्रेजेंटेशन फॉर दैट ग्रुप कॉल। इसमें ऑप्शन है इनसाइड मून लाइटिंग, ग्लास सीलिंग, इंक्लूजन एंड टोकनिज्म। आंसर आपको दिख रहा है टोकनिज्म है, बट क्यों है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनसाइड मून लाइटिंग। तो मून लाइटिंग का मतलब क्या होता है, साइड जॉब इन एडिशन टू वंस प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट। कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में, बट उसकी जो सैलरी वो इनफ नहीं हो, फुलफिल नहीं कर पा रहा अपने नीड्स, तो वो क्या एक साइड जॉब करता है। बट मोस्टली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एम्प्लॉय जो है ये बताता नहीं है, सीक्रेटली करता है, ठीक है। तो मून लाइटिंग ये होता है। ग्लास सीलिंग जो है एक मेटाफर है, मतलब एक बोलते हैं ना कि एक कहावत बोलते हैं या मुहावरा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशली, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन्स, ठीक है, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके लिए है कि अगर वो ऊपर जाना चाह रहे हैं हायरार्की में, उनका जो है विश जो है कि हमें एडवांस करना है, ऊपर जाना है हायरार्की में, बट उन्हें लोअर लेवल पे रोक दिया जाता है ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन। तो इसे ग्लास सीलिंग बोला जाता है, एक मेटाफर है इस डिस्क्रिमिनेशन को रेफर करने के लिए अगेंस्ट वुमेन एंड माइनॉरिटीज़। इंक्लूजन का मतलब होता है एक्सटेंड टू विच ईच पर्सन फील दैट हाउ दे आर वेलकम इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है, सपोर्ट कैसे किया जाता है और वैल्यू कैसे मिलता है टीम मेंबर को, तो डैट इज़ इंक्लूजन, मतलब अपनापन फील कराना, डैट इज़ इंक्लूजन। टोकनिज्म वही है कि टोकनिज्म का मतलब होता है इट्स अ एफर्ट टेकन टू प्रिवेंट क्रिटिसिज्म। जैसे माइनॉरिटीज़ को रिक्रूट कर लेना, फीमेल्स को रिक्रूट कर लेना और उनको एक पर्टिकुलर पोजिशन दे देना, हाई प्रोफाइल पोजिशन दे देना, so that they are treated fairly in the organization. तो basically tokenism में क्या होता है, tokenism is the practice of making only a perfunctory or symbolic effort to be inclusive to members of minority groups, ठीक है, specially by recruiting people from underprivileged or underrepresented groups in order to give them appearance of racial or gender equality within a workplace or educational context. So that is tokenism. Next, question number 72. The organizational forces acting on employees, encouraging them to continue performing their jobs in certain ways, thereby making them resistant to change, is known as. तो ऑप्शंस क्या है, सोशल रेजिस्टेंस है, स्ट्रक्चरल इनर्शिया है, इमोशनल रेजिस्टेंस है, अनफ्रीजिंग है। तो अनफ्रीजिंग क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी चेंज अगर देना है तो उसके लिए उनको रेडी करना, अनफ्रीज करना, डैट इज़ अनफ्रीजिंग। ये लेविंस चेंज मॉडल जो ओबी में पढ़ते हैं उससे ये टर्म आया है। अब क्वेश्चन में ये दिया है कि the organizational forces acting on employee, encouraging them to, वो जैसे काम कर रहे हैं उसी तरीके से उनको काम करना है और change नहीं लाने देते हैं, resistance to change।
ठीक है। तो डैट इज स्ट्रक्चरल इनर्शिया। इनर्शिया हमने फिजिक्स में पढ़ा था, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट रिमेन्स एट रेस्ट पोजिशन और इन यूनिफॉर्म मोशन इन द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। जैसे हम बस में ट्रैवल करते हैं तो जैसे ही बस में ब्रेक लगते हैं हम आगे की तरफ मूव होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ फॉल करते हैं। तो डैट इज स्ट्रक्चरल इनर्शिया कि सेम डायरेक्शन में हम हमारी बस आगे की डायरेक्शन में जा रही है तो हम भी आगे के डायरेक्शन में ही गिरते हैं या फिर मूव करते हैं। जब तक हमें एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अपोजिट फोर्स नहीं लगे हम बैकवर्ड नहीं जाते, ठीक है। तो डैट इज स्ट्रक्चरल इनर्शिया। तो आंसर यहाँ पे ये सेकेंड होगा। व्हेन वन यूनियन होल्ड्स अ स्ट्राइक इन सपोर्ट ऑफ अनादर यूनियन स्ट्राइक इट इज कॉल्ड। एक यूनियन दूसरे यूनियन को सपोर्ट कर रही है फॉर होल्डिंग अ स्ट्राइक, मतलब सिंपथी दिखा रही है, डैट इज ऑप्शन नंबर फोर। अ टेम्पररी कमिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेशल पर्पज इज नोन एज। टेम्पररी कमिटी फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेशल पर्पज, तो इसका आंसर एडहॉक कमिटी होगा। एडहॉक कमिटी जो है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए बनाया जाता है और वो टेम्पररी होता है। सो स्टीयरिंग कमिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कोलैबोरेट्स ऑन प्रोजेक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए जो कमेटी बनती है ग्रुप ऑफ पीपल की उसे स्टीयरिंग कमेटी बोला जाता है। कमांड ग्रुप जो है वो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर है विद सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स उसमें होते हैं एज पर हायरार्की। एडहॉक कमेटी स्पेशल पर्पस के लिए बनाया जाता है। एंड एक्शन कमेटी भी एक होता है, पर्टिकुलर एक एक्शन लेना है कोई तो उसके लिए। तो यहाँ पे जो टेम्पररी कमेटी की बात हुई है वो एडहॉक कमेटी है, ठीक है। आंसर इसका पॉइंट नंबर थ्री होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ऑप्शंस आर बैकग्राउंड चेकिंग, बैकग्राउंड चेक करना, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन हियर। ग्लास सीलिंग मैंने समझा दिया, इट इज़ अ मेटाफर यूज टू फॉर द डिस्क्रिमिनेशन विच आर डन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेग्लिजेंट हायरिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयर जो है वो नेग्लिजेंट हो जाता है वाइल हायरिंग कैंडिडेट्स, वो उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करवा पाता है, वो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, रेफरेंसेस को चेक नहीं करेगा, और वो ऐसे कैंडिडेट को हायर करता है जिसका जो बैकग्राउंड है डैट इज़ क्वेश्चनेबल, ठीक है। तो डैट इज़ नेग्लिजेंट हायरिंग। और हेलो इफेक्ट होता है कि एक पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर के एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को डिसाइड करना। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा या फिर कोई पर्सन किसी फोटो में अच्छा गुड लुकिंग पर्सन है तो उससे उसको एज्यूम कर लेना कि ये सही में अच्छा है, इसका जो कैरेक्टर है अच्छा है। तो डैट इज़ हेलो इफेक्ट, मतलब एक कैरेक्टर का, एक कैरेक्टर और एक ट्रेट को लेकर के एक इंडिविजुअल को जज करना, तो हेलो इफेक्ट है जो है वो एरर इन जजमेंट है। किसी को जज करते टाइम एक जो एरर डेवलप हो जाता है, जैसे यहाँ पे एक ट्रेट को पकड़ के पूरे ओवरऑल इंडिविजुअल को आप जज कर रहे हैं। हो सकता है कि वो बंदा दिखने में अच्छा है, बंदी दिखने में अच्छी है, बट कैरेक्टर वाइज वो इतनी अच्छी नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो दैट इज़ हेलो इफेक्ट। तो आंसर इज नेग्लिजेंट हायरिंग। नेक्स्ट, अ ग्रुप क्रिएटेड बाय कनेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर अ फॉर्मल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आपको मैंने बताया कमांड ग्रुप जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है इंक्लूडिंग सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, तो दैट इज कमांड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर प्री डिटरमाइंड परसेंटेज ऑफ रेटिंग प्लेस्ड इन वेरियस परफॉर्मेंस कैटेगरीज। तो इसके ऑप्शंस है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फ्री एसे मेथड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब वन बाय वन हम इसे समझते हैं। सो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्या होता है? तो जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को अप्राइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस बिहेवियर या अदर की इश्यूज़, तो उसको एक पेपर पे लिखता है, राइटिंग ऑन पेपर रिटन में, तो उसे कहते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। सेकेंड इज फ्री एसे मेथड आ जाता है, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड ऑफन इंक्लूड्स एग्जाम्पल टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन। तो जब एम्प्लॉय अप्राइजल करता, जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट का अप्राइजल करता है ऑन द बेसिस ऑफ हिज
परफॉर्मेंस बिहेवियर तो उसको डिस्क्राइब करता है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, और कुछ उसके सपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट्स वो इंक्लूड करता है टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन, दैट इज़ फ्री एस ए मेथड। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जो बार्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये मॉडर्न मेथड है। और इसमें क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ बिहेवियर ट्रेट्स बनाते हैं कि क्या क्या बिहेवियर, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सेट बनाया जाता है और उसको स्पेसिफिक नंबर दिया जाता है और उस बेसिस पे एक से दूसरे एम्प्लॉय को कंपेयर करके उनके परफॉर्मेंस को वो वैल्यू दिया जाता है। प्री डिफाइंड सेट ऑफ बिहेवियरल ट्रेट्स, ठीक है, जैसे हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है, पंक्चुअल है, तो ये प्री डिफाइंड ट्रेट्स है और इसको न्यूमरिक वैल्यू दिया जाता है। जैसे हार्ड वर्किंग है तो उसको 5 दिया है, उसमें से अब 5 में से एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, सपोज एम्प्लॉय ए को 4 दिया, एम्प्लॉय बी को 3 दिया, उसी तरह से पंक्चुअलिटी 4 नंबर का है तो उसमें कितने मिले, तो इस बेसिस पे एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है एज़ पर देयर परफॉर्मेंस एंड देयर कैरेक्टर। नेक्स्ट है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड उसमें रादर देन जजिंग द एम्प्लॉयज़ ऑन देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयज़ को कंपेयर किया जाता है और उसके अगेंस्ट में उनको रैंकिंग दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ आर रैंक्ड अगेंस्ट वन अनादर रादर देन द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली बेलकर मेथड जो बोलते हैं वो यूज़ करते हैं। सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में 30 एम्प्लॉयज़ हैं तो आउट ऑफ 30 एम्प्लॉयज़ ये डिसाइड होता है कि 5% एम्प्लॉयज़ को पुअर में रखना है, ठीक है, 5% को, और 5% को आउटस्टैंडिंग में रखना है, मतलब 5 एम्प्लॉयज़ को टॉप में रखना है, 5 एम्प्लॉयज़ को पुअर में रखना है और बचे जो 20 एम्प्लॉयज़ है, राइट, यहाँ परसेंट हटा दीजिए, परसेंट नहीं आएगा, 5% को इतना रखना टॉप पे रखना है, 5 एम्प्लॉयज़ को पुअर में रखना है और 20 जो है वो मिडल लेवल में रहेंगे, बिटवीन टॉप एंड पुअर, ठीक है, सपोज गुड में रहेंगे, तो एक ये बेलकर बनेगा, तो डैट इज फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, इन विच जॉब इवैल्यूएशन मेथड आर अ नंबर ऑफ कंपेंसेबल फैक्टर्स आइडेंटिफाइड एंड देन द डिग्री टू विच ईच ऑफ दिस फैक्टर्स इज प्रेजेंट ऑन द जॉब इज डिटरमाइंड। तो क्या पूछा, ऐसा जॉब इवैल्यूएशन मेथड जहाँ पे कंपेंसेबल फैक्टर्स डिसाइड किया जाता है और एक पर्टिकुलर जॉब में वो जो फैक्टर की कितनी ज़रूरत है, द डिग्री टू विच ईच ऑफ दिस फैक्टर इज प्रेजेंट, उस जॉब में ये कंपेंसेबल फैक्टर्स कितने डिग्री में प्रेजेंट है वो डिसाइड किया जाता है। तो डैट इज़ ऑप्शन देखते हैं, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, ब्रॉड बैंडिंग, फैक्टर मेथड एंड पॉइंट मेथड। सो जॉब क्लासिफिकेशन मेथड हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं जिसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केएसए रिक्वायर्ड, नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, कौन से जॉब के लिए क्या चाहिए उसके बेसिस पर जॉब को क्लासिफाई किया जाता है। ब्रॉड बैंडिंग क्या होता है, ब्रॉड बैंडिंग है कि छोटे छोटे जो ग्रेड्स के जॉब्स हैं उनको ब्रॉडर सैलरी रेंज में इंक्लूड करना है। इसको एक एग्जांपल देके मैं समझाऊंगी कि सपोज़ एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और उधर अलग अलग टाइप के जॉब्स हैं, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ओवरऑल जॉब कंबाइंड करके इंजीनियरिंग बैंड में डाल देना और उसका पे स्ट्रक्चर जो है या पे लेवल जो है वो कैसे डिसाइड होगा, सबसे जो लीस्ट स्किल्ड जॉब है वो सबसे इनिशियल रहेगा टू द हाइएस्ट स्किल्ड जॉब, तो लीस्ट स्किल्ड जॉब का जो पे स्केल है वहाँ से वो स्टार्ट होगा और जो हाईएस्ट स्किल्ड जॉब का जो पे होगा वो उसका लास्ट होगा, मतलब पे बैंड ऐसे डिसाइड होगा लोअर एंड हाईएस्ट, तो समझ में आ गया। तो इस तरह से ब्रॉड बैंडिंग करना। फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, जैसे कि एजुकेशन हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, स्किल्स है, क्वालिफिकेशन है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स जो है इसको आइडेंटिफाई करते हैं कैंडिडेट्स में, और इसका मेथड्स जो है वो अलग अलग है। जैसे पहले तो बेंचमार्क जो जॉब्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है,
फिर उनके फैक्टर्स को रैंक दिया जाता है और इन फैक्टर्स को मनी वैल्यू एलोकेट की जाती है, जॉब्स को रैंक दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी वैल्यू एंड वेज फिक्स किया जाता है। तो फैक्टर मेथड भी एक तरह से यही है कि जो फैक्टर्स है उसको इवैल्यूएट किया जाता है और एज पर द फैक्टर्स प्रेजेंट उनको मनी वैल्यू दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वेज फिक्स होता है। और पॉइंट मेथड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉम्पेंसेबल फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे उसको पता करना कि उस पर्टिकुलर जॉब में वो कितना प्रेजेंट है, किस डिग्री में प्रेजेंट है, तो दैट इज पॉइंट मेथड, राइट। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेड फॉर द बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ अ वर्कर। तो बेयर सब्सिस्टेंस ऑफ अ वर्कर इसका मतलब क्या है कि सस्टेन करने के लिए, लाइफ सस्टेन करने के लिए बेयर मिनिमम जिस चाहिए वर्कर को दिया जाता है, पे किया जाता है, दैट इज मिनिमम वेज, मतलब लोएस्ट वेज जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके अगर मिनिमम वेज से कम अगर पे किया करेंगे किसी वर्कर को तो दैट विल बी इलीगल, ठीक है, वो एक लॉ को वायलेट करना होगा। तो मिनिमम वेज जो है वो बाय लॉ डिसाइड होता है और उतना, एटलीस्ट उतना तो किसी भी वर्कर को पे करना है उसके जॉब के लिए। एक्स ग्रेशिया वेज जो है दिस इज गिवन ऑन द फॉर द क्लेम्स एंड डैमेजेस। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसकी फैमिली क्लेम करती है, ग्रेचुटी क्लेम करती है, कॉम्पनसेशन क्लेम करती है, तो डैट इज एक्स ग्रेशिया वेज। सो एक्स ग्रेशिया वेज जो है वो वॉलेंट्री पेमेंट में वॉलेंट्री पेमेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑन आउट ऑफ वर्च्यू ऑफ ग्रेस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एन इंडिविजुअल फॉर डैमेजेस और क्लेम्स। थर्ड है लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है? डैट अमाउंट विच इज़ गिवन टू अ वर्कर जिससे वो क्या है, पॉवर्टी से बच सके और बेसिक उसका जो है फूड शेल्टर लिविंग वो अच्छे से वो रह सके, मतलब मिनिमम वर्क से थोड़ा अच्छा, मिनिमम वेज से थोड़ा अच्छा, डैट इज लिविंग वेज। दिस अमाउंट इज यूजुअली हायर देन द मिनिमम वेज, ठीक है, जो लिविंग वेज है वो मिनिमम वेज से ज़्यादा होगा एंड दैट इज़ नॉट मैंडेटेड बाय लॉ, ये बाय लॉ डिसाइड नहीं होता है। डिसेंट वेज, डिसेंट नाम से पता चल रहा है, डिसेंट मीन अच्छा खासा उसको वेज मिलता है जिससे वो अपना लिविंग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम। तो एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम जिसे ईएपी भी बोला जाता है इन शॉर्ट फॉर्म, तो ये क्या होता है, इट्स अ डिजाइंड प्रोग्राम बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू असिस्ट एम्प्लॉयज इन रिजॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट मे बी एडवर्सली अफेक्टिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। तो किसी भी रीजन से कोई भी उसका पर्सनल प्रॉब्लम है जिससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट हो रहा है, उस परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए एम्प्लॉय को असिस्ट किया जाता है थ्रू काउंसलिंग एंड अदर मेथड्स, ट्रेनिंग दी जाती है, काउंसलिंग की जाती है, ठीक है, तो बेसिकली काउंसलिंग ही होता है, तो इसे कहा जाता है एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम। तो इसमें ऑप्शन जो हम देखेंगे, काउंसलिंग फॉर प्रॉब्लम सच एज अल्कोहलिज्म एंड स्ट्रेस, इसकी वजह से क्या होगा उसका जो है परफॉर्मेंस वो अफेक्ट होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, तो डैट इज ईएपी। क्वेश्चन नंबर 81, अ फॉर्म ऑफ यूनियन सिक्योरिटी इन विच द कंपनी कैन हायर नॉन यूनियन पीपल बट दे मस्ट ज्वाइन द यूनियन आफ्टर अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड पे ड्यूज इज ओपन शॉप, यूनियन शॉप, एजेंसी शॉप एंड यूटिलिटी शॉप। अब ये वन बाय वन हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो ओपन शॉप जो है इट्स अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ज्वाइन और सपोर्ट एनी यूनियन एज अ कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हायरिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ हायरिंग उन्हें ये कंडीशन नहीं दिया जाता है कि आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपको किसी यूनियन को सपोर्ट करना पड़ेगा या जो फी है यूनियन फी जिसे पे ड्यूज यहाँ पे बोला गया है ड्यू पे करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता, डैट इज़ ओपन शॉप। यूनियन शॉप क्या होता है, इट्स यूनियन शॉप, ओपन शॉप जो है वो कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, प्लेस ऑफ वर्क में ऑफिस हो सकता है या कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है यूनियन शॉप,
इट इज ऑल्सो अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट रिक्वायर्स इट एम्प्लॉयज टू ज्वाइन अ यूनियन. यूनियन शॉप में जो एम्प्लॉयज हैं उनको यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा. और एक वाइल द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट और वाइल द टाइम ऑफ हायरिंग उनको एम्प्लॉयर के साथ ये एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन यूनियन मेंबरशिप पे नहीं करना है. ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है. दे मस्ट ज्वाइन द यूनियन आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम एंड पे ड्यूज. तो यूनियन शॉप में उनका एक कंडीशन रहता है कि उनको कुछ प्रिस्क्राइब टाइम में यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा, बट दिस इज़ नॉट मैंडेटरी कि उन्हें यूनियन फ़ी भी पे करना होगा. ये कोई कंडीशन नहीं होती है. एजेंसी शॉप क्या होता है? ये भी एक यूनियन सिक्योरिटी डिक्लेरेशन होता है, जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो नॉन यूनियन या फिर यूनियन एम्प्लॉयज या वर्कर को हायर करता है. जो वर्कर्स हैं उनको तो यूनियन अफेयर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और जो नॉन यूनियन एम्प्लॉयज हैं उनको यूनियन फी पे करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉस्ट. तो एजेंसी शॉप इस तरह का है कि वो उसमें भी जो यूनियन है, जो वर्कर्स हैं उनको यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा, बट जो नॉन वर्क यूनियन वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज़ बोलेंगे उनको यूनियन फी पे करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू मेंटेन द एम्प्लॉयमेंट टू कंपनसेट द कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉस्ट. तो ये एजेंसी शॉप है. यूटिलिटी शॉप भी इस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है यूनियन शॉप इसका. यूनियन शॉप और यूटिलिटी शॉप बोलने में एक जैसा लगता है, तो इससे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है. क्वेश्चन नंबर 82. द गोल ऑफ अ डैश इज टू अलाउ एम्प्लॉयज टू अर्न इनफ इनकम फॉर अ सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. इट इज़ कंसिडर्ड एन आइडियल टाइप ऑफ वेज. तो इसका आंसर होगा लिविंग वेज. ठीक है, अभी लिविंग वेज आपको बताया था कि सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे मेंटेन कर सकता है कोई भी वर्कर, और उसको आइडियल टाइप माना जाता है. मिनिमम वेज से ज़्यादा होता है लिविंग वेज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ सिलेक्टिंग अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब. तो कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जॉब के लिए, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? असेसमेंट सेंटर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू. तो असेसमेंट सेंटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ टेस्ट सीरीज दिया जाता है, जॉब दिया जाता है, उसके थ्रू कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है. इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराई जाती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी टेस्ट है, इंटरव्यू. तो ये सारे मेथड्स हैं जो इंटरव्यू जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए इन सारे मेथड के थ्रू किया जाता है. बिहेवियर मॉडलिंग इसमें नहीं आता. राइट, क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा बिहेवियरल मॉडलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84. इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट विद द फर्म इज नोन एज ट्रांसफर, मूनलाइटिंग, डिसमिसल एंड एट्रिशन. इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉयज एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय नहीं चाहता है फिर भी उसको टर्मिनेट किया जाता है, तो कैसे होगा? इसका आंसर होगा डिसमिसल. डिसमिसल इज इनवॉलेंट्री टर्मिनेशन. एट्रिशन मतलब एट्रिशन रेट निकाला जाता है. जब एम्प्लॉय रिज़ाइन करके ऑर्गेनाइजेशन से जाते हैं तो एट्रिशन रेट कैलकुलेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, कि कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन. आंसर इज डिसमिसल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस इन्वॉल्व इन कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल. तो कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल आप देखेंगे, ओबी में हम पढ़ते हैं. तो इसमें है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को अगर सस्टेन करना है, अगर वो उसको जो है एनवायरमेंट में या कंपटीशन में उसको अपने आप को आगे रखना है, कम्पीट करना है, तो उसको चेंज भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम बोलते हैं ना कि चेंज इज़ ओनली परमानेंट थिंग. मतलब हमें जैसे जैसे सिचुएशन होता है उसकी तरह से हमें अडाप्ट करना है. अडाप्ट कर रहे हैं मतलब हम चेंज हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी वैसे ही आगे बढ़ने के लिए चेंज करना है, डेवलपमेंट के लिए चेंज ज़रूरी है. तो कर्ट लेविन्स चेंज मॉडल का पहला जो स्टेप है वो अनफ्रीजिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चेंज के लिए तैयार करना, फिर चेंज करना, और फिर उसको रिफ्रीज करना, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करना, दैट इज रिफ्रीजिंग. तो पहला आंसर ही इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86. फैक्टर्स गवर्निंग अ ग्रुप्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड इंटर रिलेशनशिप विद द इंडिविजुअल
other groups and the organization within which it exists are known as. तो group formation हो रहा है individual का, but on the basis of और मतलब अलग अलग groups हैं, उनके development, structure, inter relationship individual के बीच में हो रहा है, तो क्या रहा group dynamics है ये. अलग अलग ग्रुप के अलग अलग इंडिविजुअल हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के अलग अलग कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, स्किल्स हो सकती है, नॉलेज हो सकता है. तो दिस ऑल आर ग्रुप डायनेमिक्स. क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप बोनस प्लान. तो ग्रुप बोनस प्लान कौन सा नहीं है? आप जब पढ़ेंगे बोनस प्लान तो टाउन्स प्लान, पीटर्स प्लान, स्कैनलन प्लान, प्रिट्समैन प्रोडक्ट बोनस प्लान, तो पीटर्स प्लान कुछ ऐसा होता नहीं है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3. नाउ एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, अ कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट रिपोर्ट विद इन डैश डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग. तो एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंसिलिएशन ऑफिसर को 14 डेज के अंदर रिपोर्ट जमा करना पड़ता है, क्लॉज 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 89, एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द ऑक्यूपायर मस्ट सेंड अ रिटन नोटिस टू द चीफ इंस्पेक्टर एट लीस्ट डैश डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रमाइसिस एज अ फैक्ट्री. तो जो ऑक्यूपायर है, जो फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है, वो एज पर फैक्ट्रीज एक्ट अगर कोई जगह ऑक्यूपाई करना चाहता है, फैक्ट्री के कोई प्रमाइसिस पर कुछ काम करवाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले चीफ इंस्पेक्टर को नोटिस देना होगा, और वो नोटिस एटलीस्ट क्या होगा, 15 डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई, कहीं पे भी कोई काम स्टार्ट करने से पहले कि 15 दिन के पहले उसको चीफ इंस्पेक्टर को रिटर्न नोटिस देना है. राइट, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ नेगोसिएशन बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज टू एस्टैब्लिश द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कोई भी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे बात होती है बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट या फिर एम्प्लॉयर, तो उस ऑनगोइंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो यहाँ ऑलरेडी दिया है ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ नेगोसिएशन, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज नेगोसिएशन प्रोसेस ओनली बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयर, तो आंसर इज कलेक्टिव बार्गेनिंग. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने टोटल 90 क्वेश्चंस कवर कर लिया है. अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.